सो ये है आईफोन 7 जो कि 2016 में लॉन्च हुआ था एंड इस फोन को लॉन्च हुए पूरे 7 साल हो चुके हैं एंड लोग आज भी इस फोन को लेने का सोचते हैं एंड यहाँ पर जो इसकी सेकंड प्राइस है वो अंडर 10,000 रुपीज़ निकल कर आती है। वैसे ये वाला फोन मैंने 6,000 रुपये का लिया है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या 2023 में आपको आईफोन 7 को कंसिडर करना चाहिए या इस फोन को स्किप करना चाहिए। आईफोन 7 की बैटरी 2023 में कैसी चलती है, परफॉर्मेंस कैसी है, कैमराज एंड वीडियो क्वालिटी कैसी है, फोन हीट तो नहीं करता, इन सभी चीज़ों के बारे में आज ये वीडियो। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आपका भाई ऐसे सेकंड हैंड फोन्स पर वीडियोस लाता रहता है। शुरुआत कर लेते हैं आईफोन 7 के लुक एंड फील से। तो इसका डिजाइन अभी भी ओल्ड नहीं हुआ है क्योंकि आईफोन SE 3 भी सेम डिजाइन के साथ आता है जो कि पिछले साल ही लॉन्च हुआ था, बस उसके बैक में आपको ग्लास मिल जाता है। आईफोन 7 फुली एल्युमिनियम बॉडी के साथ आता है, इन एंड फील भी काफी रिच है एंड 100 आप इसको इजिली यूज कर पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आपको सेकंड जेन वाला फिंगरप्रिंट मिल जाता है जो कि बटन में एम्बेडेड है एंड जो इसकी स्पीड है वो भी आपको डिसेंटली मिल जाएगी। वैसे आईफोन 7 वाटर रेटिंग के साथ भी आता है, फोन वाटरप्रूफ है लेकिन अगर आप सेकंड ले रहे हैं तो इसको पानी से दूर रखना क्योंकि अगर वाटर डैमेज हो जाता है तो यहाँ पर एप्पल इसकी कोई भी गारंटी या जवाबदारी नहीं देता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर आईफोन 7 के डिस्प्ले की, तो इसमें आपको बहुत ही छोटू सा डिस्प्ले देखने को मिलता है, 4.7 इंच का एक रेटिना IPS LCD जो कि एक 720p से हल्का सा बड़ा है जिसके कारण आप इजिली यूट्यूब पर 1080p वाली वीडियो देख पाएंगे। वैसे डिस्प्ले काफी ज्यादा शार्प है, इंडोर में काफी ज्यादा क्रिस्प क्वालिटी आती है, ब्राइटनेस निट्स भी 625 मिल जाएगी, आउटडोर में भी डिस्प्ले अच्छा खासा विजिबल है, बस डिस्प्ले थोड़ा छोटा है। अगर आपका मल्टीमीडिया यूसेज ज्यादा है तो आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा। प्रेशर सेंसिटिव 3D टच भी मिल जाता है जो कि लेटेस्ट आईफोन से मिसिंग है। ओवरऑल यहाँ पर जो डिस्प्ले की क्वालिटी वो एक नंबर है, बस यहाँ पर डिस्प्ले हल्का सा छोटा है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की कि आखिरकार आईफोन 7 7 साल बाद परफॉर्म कैसा करता है। तो नॉर्मल टास्क में आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। प्रोसेसर में आपको एप्पल की A10 फ्यूजन चिप देखने को मिल जाती है। रैम यहाँ पर आपको 2GB की LPDDR4 मिलती है जो कि इनफ है नॉर्मल टास्क के लिए। मल्टीटास्किंग भी अच्छी खासी हो जाती है, 4 से 5 एप्लीकेशन आप बैकग्राउंड में आराम से रख पाएंगे। ऐप ओपनिंग की स्पीड में आपको हल्की सी कमी देखने को मिल जाएगी। वैसे फोन यहाँ पर बहुत मक्खन चलता है, कोई भी ग्लिचेस फ्रेम ड्रॉप UI में देखने को नहीं मिलते। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो जरा सी दिक्कत नहीं मिलेगी, फोन मक्खन की तरह चल जाता है। 7 साल हो चुके हैं इस फोन को, उसके बाद भी स्टिल परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाती है। अगर आप एक सेकेंडरी फोन लेने का सोच रहे हैं तो फोन आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आईफोन 7 की परफॉर्मेंस को लेकर मैंने एक चीज नोटिस करी है, जैसे इसकी बैटरी 20% के नीचे जाती है तब यहाँ पर फोन हैंग होने लगता है, ग्लिचेस इजीली नोटिस हो जाते हैं एंड फोन यहाँ पर हीट भी हो जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर आईफोन 7 के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो इसमें आपको iOS 15 मिलता है। iOS 15 के बाद इसमें कोई भी अपडेट नहीं आया है एंड ना ही आएगा, iOS 15 पर ये रुक गया है। लेकिन यहाँ पर iOS 15 भी बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज है, सॉफ्टवेयर वाले पोर्शन में आपको कोई भी ऐसा मेजर इशू देखने को नहीं मिलता है कि फोन बहुत ज्यादा लैग हो रहा है या हैंग हो रहा है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, ना कोई एड्स है ना कोई ब्लॉटवेयर है। वहीं मैं बात करूँ एप्लीकेशन सपोर्ट की, तो 2-1 साल तक और इसको एप्लीकेशन सपोर्ट मिलेगा, बैंकिंग फोन पे सब 2 साल तक और चल जाएंगे एंड 2 साल के बाद भरोसा नहीं है यहाँ पर जो फोन पे है वो बंद हो सकता है, जैसा कि आपने आईफोन 6S में देखा था। वैसे आज की डेट में आईफोन 7 में सारी एप्लीकेशन चल रही है, चाहे वो फोन पे हो, बैंकिंग एप्लीकेशन हो या सोशल मीडिया एप्स हो, कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं गेमिंग की, तो BGMI ओपन होने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। ग्राफिक सेटिंग की बात करें तो मैक्स आप स्मूथ प्लस अल्ट्रा पर खेल पाएंगे, यानी कि 40 FPS वाली गेमिंग होगी। गेम यहाँ पर ठीक ठाक चल जाता है लेकिन प्रॉपर गेमिंग के लिए फोन नहीं है। ज्यादा देर तक गेम खेलने पर अपनी ब्राइटनेस भी लो कर देता है एंड यहाँ पर जो बैटरी है वो भी बहुत तेजाई से गिरने लगती है एंड फोन हल्का सा हीट भी होता हुआ आपको महसूस हो जाएगा। तो अगर आप डेडिकेटेड गेमिंग के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप इसमें ओनली छोटे मोटे गेम्स खेल पाएंगे, जैसे कि टेंपल रन हुआ, 8 Ball Pool हुआ, ये सब आप गेम खेल पाएंगे। BGMI एंड फ्री फायर के लिए फोन नहीं बना है। अगर आप इसमें गेम खेलेंगे ज्यादा देर तक तो यहाँ पर जो आपकी बैटरी है वो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगी। गेमिंग की बात चल रही है तो बैटरी की बात कर लेते हैं। इसमें मात्र आपको 1960 mAh की बैटरी मिलती है जो कि नंबर के मामले में काफी ज्यादा कम है एंड फोन यहाँ पर बहुत जल्दी बैटरी भी पीता है। अगर आप नॉर्मल यूसेज करेंगे, नॉर्मल मैसेजिंग, टेस्टिंग, कॉलिंग करेंगे तो यहाँ पर बैटरी आपकी रात तक चल जाएगी। वहीं यहाँ पर अगर आपने हल्की सी भी हैवी गेमिंग करी या कैमरा बहुत देर तक यूज कर लिया तो फोन आपको 2 बार चार्ज करना पड़ जाएगा। बैटरी चार्जिंग की बात करें तो मैक्स आप इसमें 5W का चार्जर लगा सकते हैं। 5W से चार्ज करने में इसमें आराम से 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। वैसे मैं एप्पल के 10W का चार्जर यूज करता हूँ जिससे आराम से 1.5 घंटे में फोन चार्ज हो जाता है। आप चाहें तो उसको भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि है कैमरास। आईफोन 7 के कैमरा 7 साल बाद भी ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर आपको आईफोन 7 में सिंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा 12 MP का f1.8 अपर्चर के साथ। लेकिन यहाँ पर जिससे जो आप शॉट लेते हैं उनमें डिटेल्स आपको अच्छी खासी मिल जाती है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बहुत से शॉट्स लिए। फोन प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छे से डायनेमिक रेंज को कंट्रोल कर लेता है, आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि ये 7 साल पुराना फोन है। एंड आईफोन 7 का कैमरा आज भी एंड्रॉइड में लॉन्च हुए 10 से 12 हजार रुपए एंड्रॉइड फोन को इजिली बीट कर देगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर वीडियो क्वालिटी की, तो आप मैक्स 4K 30 FPS पर वीडियो शूट कर पाएंगे। स्टेबिलाईन
में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्वालिटी प्राइस के हिसाब से आपको नेक्स्ट लेवल मिल जाएगी। एंड फोकसिंग स्पीड भी बहुत बेहतरीन है, ऑब्जेक्ट को फटाक से फोकस कर लेता है। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो 7 मेगापिक्सल का मिल जाता है जिससे आप डिसेंट सेल्फी ले पाएंगे। वीडियो की बात करें तो फ्रंट से अच्छी खासी वीडियो बन जाती है। डायनेमिक रेंज कंट्रोल यहाँ पर इतना ज्यादा सही नहीं है। अच्छी लाइटिंग में वीडियो शूट करेंगे तो यहाँ पर क्वालिटी अच्छी आएगी, बेकार लाइटिंग में यहाँ पर वीडियो पूरी बिगड़ जाती है। ओवरऑल आईफोन 7 6000 रुपए में जैसी कैमरा क्वालिटी आपको दे रहा है, वैसी कैमरा क्वालिटी इतने प्राइस रेंज में मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मेन कंक्लूजन की। अगर आपको एक सेकेंडरी फोन चाहिए या आप आईफोन पहली बार यूज करने वाले तो आप इस फोन को इजिली कंसिडर कर सकते हैं। इसका सेकेंडरी प्राइस अंडर 10,000 रुपीज आता है, लेकिन आप इस फोन को आराम से अगर देख कर लेंगे तो 6-7-8 हजार रुपए में आपको ये इजिली मिल जाएगा। एंड जितना भी मैंने आईफोन 7 को यूज करा 2023 में भी ये यूजेबल है, कोई भी हैंग लैग वाला इशू आपको देखने को नहीं मिलता है। बस 20% के नीचे जब बैटरी आती है तब यहाँ पर ये थोड़ा नाटक करने लगता है। गेमिंग के लिए फोन नहीं है। यहाँ पर इस फोन में एक और दिक्कत है कि ये फोन 4G है। वैसे 4G की बात चली रही तो ये भी बता दूं कि आईफोन 11 प्रो भी 4G है एंड लोग आज भी उस फोन को बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4G इतना बड़ा इशू नहीं है। बस यहाँ पर अगर आपकी मेन प्रायोरिटी बैटरी है एंड आप सोच रहे हैं कि आईफोन 7 को एज अ प्राइमरी डिवाइस आप यूज कर पाएंगे तो यहाँ पर बैटरी आपको धोखा दे देगी, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी अगर यहाँ पर अगर आपको आईफोन 7 सेकंड हैंड लेना है तो स्ट्रीट मोबाइल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आपको जेन्युइन सेकंड फोन देखने को मिल जाएंगे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन।